हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवली और मेरी किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नवरात्र के व्रत के लिए मिक्स वेजिटेबल। इसके लिए मैंने लिया है, देखिए, 2 आलू, 3 स्वीट पोटैटो लिया है मैंने, मतलब रातालू, और 1 टुकड़ा लिया है मैंने पम्पकिन, मतलब कद्दू, और 2 टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सबको मैं छील कर काट कर धो लूँगी, उसके बाद आपको दिखाऊँगी। देखिए दोस्तों, मैंने आलू और रातालू काट लिया है। रातालू मैंने 3 लिए थे लेकिन 2 ही काटे हैं, 1 रख दिया है मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा था रेशियो में ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए काट कर धोकर ले लिया है मैंने पानी झड़ा कर। और यहाँ काट लिया है मैंने कद्दू, कद्दू कच्चे वाले हैं, टमाटर और हरी मिर्ची काट ली है। अब एक कढ़ाई बिठाया मैंने इंडक्शन पर, थोड़ा सा तेल डाल देंगे, जो तेल आप व्रत में खाते हैं वही डाल दीजिए, और तेल को अच्छा गर्म होने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरे। अगर आप व्रत में जीरे नहीं खाते हैं तो जीरे आराम से स्किप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई कोई खाते हैं, कोई कोई नहीं खाते हैं, तो मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून जीरे। कोई कोई टमाटर भी नहीं खाते हैं, तो टमाटर भी अगर नहीं खाते हैं तो आराम से स्किप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर टमाटर डाल दे रही हूँ तेल में। टमाटर के साथ साथ मैं डालूंगी स्वादानुसार नमक, जो नमक आप व्रत में खाते हैं, सेंधा नमक या सादा नमक जो भी खाते हैं वो डाल दीजिए स्वादानुसार। और यहाँ मैं डाल दे रही हूँ 1/2 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर। अगर आप टमाटर स्किप कर रहे हैं तो सब्ज़ी फ्राई करते समय काली मिर्ची का पाउडर डाल दीजिए, स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अभी टमाटर हल्का फ्राई हो रहा है, अभी इसके साथ हम पहले आलू डाल देंगे। आलू को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद हम रातालू डाल देंगे, क्योंकि आलू को कुक होने में रातालू से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए आलू हमने पहले डाल दिया है। थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, उसके बाद रातालू डालेंगे, और पम्पकिन को कुक होने में और भी कम समय लगता है, इसलिए उसको हम बिल्कुल एंड में डालेंगे। रातालू डाल दे रही हूँ मैं, लगभग 4-5 मिनट बाद मैं रातालू डाल रही हूँ यहाँ पर। रतालू को भी यहाँ पर 4-5 मिनट के लिए कुक करेंगे, मतलब फ्राई करेंगे टमाटर के साथ, और उसके बाद हम पम्पकिन डाल देंगे, मतलब जो कद्दू टेंडर है, कच्चे हैं, डाल देंगे। और इसके साथ हरी मिर्ची भी डाल दूंगी मैं, अगर आप चाहे तो लाल मिर्ची का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, लगभग 3-4 मिनट के लिए। हीट को मैंने बराबर मीडियम पर ही रखा है, और 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद हम पानी डाल देंगे। पानी अपने हिसाब से डाल लीजिए, कितना पतला चाहते हैं आप उसके हिसाब से। मैं थोड़ी सी पतली ही रखूँगी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करूँगी। तो मैंने पानी डाल दिया है और थोड़ा सा पानी मैं डालूँगी। अभी हम ढक्कन लगाकर कुक करेंगे, जल्दी हो जाएगा, उबाल भी जल्दी आ जाएगा, और बाद में भी हीट को लो करके हम ढक्कन लगाकर कुक करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, अच्छा सा उबाल आ चुका है। अभी हम फिर से ढक्कन लगा देंगे और वेट करेंगे जब तक कि सारी सब्जियां अच्छे से गल नहीं जाती। चलिए फिर मैं ढक्कन लगा लेती हूँ और सब्जियां गलना तक वेट करूँगी। देखिए दोस्तों, मैंने बीच बीच में ढक्कन हटाकर चेक किया था और टाइमिंग मुझे पता नहीं है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो अभी सब्जियां सारी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए, ये कद्दू है, ये आलू, ये रतालू है, सब कुछ अच्छे से गल चुके हैं। तो अभी लास्ट में अगर आप हरा धनिया खाते हैं तो हरा धनिया डाल दीजिए। तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि ऐसे थोड़ी सी सब्जी ऐसे अलग से प्लेट में लेना है और उनको फोड़ देना है। इससे क्या होगा, ग्रेवी अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। इस तरह से चम्मच से दबा दबा कर फोड़ दूँगी मैं, फोड़ कर सब्ज़ी में डाल दूँगी फिर से। ये देखिए, मैश कर दिया मैंने, मैश करके ऐसे सब्ज़ी में डाल दूँगी। अगर आप और भी चाहते हैं तो और भी सब्जियाँ निकाल कर ऐसे मैश करके डाल सकते हैं, तो तरी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर और सब्जियाँ मैश नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा भुने हुए मूँगफली का पाउडर डाल दूँगी, उससे स्वाद भी बहुत बढ़िया आएगा, और मूँगफली वैसे भी व्रत में चलता है तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने मूँगफली को भूनकर ठंडा करके मिक्सी में दरदरा पाउडर बनाकर रखा है, उसमें से मैं 2-3 चम्मच डाल दूँगी। ग्रेवी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी और स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आएगा।
आप अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं थोड़ी सी तरी रखूँगी और तरी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। बिल्कुल सूखा सूखा भी नहीं करना है मुझे, आप चाहे तो सूखा सूखा भी कर सकते हैं, उससे क्या होगा कि आपको तरी को गाढ़ा करने का कोई सोचना नहीं पड़ेगा। अभी 2-3 मिनट के लिए और कुक कर लूँगी ताकि तरी और थोड़ा सा सूख जाए और सब्ज़ी और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। ये देखिए दोस्तों, अभी बिल्कुल सही है, मुझे इतना ही चाहिए था। तो अभी मैं हीट को बंद कर दूँगी और सब्ज़ी को सर्व करूँगी। आप चाहे तो हरा धनिया डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं तो। चलिए हीट बंद कर लेते हैं। दोस्तों इस सब्ज़ी के साथ मैं अभी समा का चावल सर्व करूँगी। आप इसको कोई भी व्रत का चावल या तो व्रत की रोटी पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं, खाने में ये बहुत ही टेस्टी है। ज़रूर रेसिपी ट्राई करें दोस्तों और अपनी नवरात्रि एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।